घर है कुछ ना होगा पर खेती में लगाएगा। आपके कहने का मतलब क्या है कि साल आलू की बुवाई मतलब ज्यादा हुई ना? अरे ज्यादा ना, अच्छा तो लो भैया कह रहे ज्यादा नहीं हुई है, आप कह रहे ज्यादा हुई है, अब तो आपसी की बात है। हाँ हाँ दादा, हाँ हाँ आप जगह मेरी ज्यादा हुई जमीन मतलब जो होती है ये कह रहा हूँ परिवार दिखा। अच्छा तो मतलब इस बार आपकी हम आपसे पूछ रहे हैं ज्यादा हुई है कम हुई, आप बताओ। हमेशा कम है, कम है ना? हाँ देखो दादा सही बता रहे हैं दादा, सही बता रहे हैं आप। आलू उपज कैसी है? उपज उपज ज्यादा मतलब आलू की बुवाई कम हुई है ना? अच्छा अच्छा, अच्छा। दादा हैं, दादा क्या नाम है आपका? लाला राम। कौन सा क्षेत्र है ये दादा? जोहर के क्षेत्र क्षेत्र। दादा आप बुजुर्ग भी हो तो आप सही सही बताना कि आपके क्षेत्र में इस साल आलू की बुवाई ज्यादा हुई है कम? इधर कम है, कम है। अच्छा आलू में उपज कैसी है? उपज सही है। अच्छा अभी ये भैया लोग कह रहे थे मतलब ज्यादा है पिछले साल के बच्चा, ऐसा क्यों मतलब ये लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? अब काऊ खेत मालूम मारू गो। अच्छा अब काऊ सही जमो। अच्छा उसमें माल बढ़िया देंगे। अच्छा अच्छा, इस जिस खेत में इस समय खड़े हैं ये कितने दिन का आलू हो गया है? ये लगभग जो है ढाई महीना। अच्छा ये खोद के दिखाएंगे आप इस बार कैसी उपज है? एक बार एक पौधा खोद के दिखाइए आप, बताओ कोई सा। कोई सा, हाँ कोई सा एक खोद दीजिएगा आप, रख देना फिर वैसे ही। तो अच्छा अच्छा अच्छा, जितने निकले हाँ वो गिनेंगे एक बार कितने। एक बस इतने ही है ना दादा? हाँ। गिनो कितने हो गए टोटल? ये अलग को पाई नहीं। कोई दिक्कत नहीं, तो ये कई आलू हो गए? दो दो चार और सात तीन सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। ये कितने पौधे थे? ये पौधे थे ना तीन तीन? अच्छा पौधा एक ही है। हाँ। मतलब ये पौधा एक है, ये इतने आलू एक पौधे में ना दादा? तो दादा ये कौन सी वैरायटी है आलू की? ये S4 है। S4 है, और इसे देख के तो लगता है कि मतलब उपज अच्छी हुई है ना? हाँ। ना ना, अच्छा देखो पिछले साल तो कम आलू से थे ना? हाँ। पर ये तो लगता है मतलब ज्यादा है, आप देख लो आपके सामने है। हाँ हाँ, तो भाई तो सामने ही मुझे चाहिए था, तो इसके हिसाब से मतलब जो हाइब्रिड जितने भी आलू हैं उनकी उपज अब की बार अच्छी हुई है। हाँ। है दादा, इसका कारण यही तो नहीं है कि हम लोगों ने मतलब बीज जो महंगा था इस बार आलू की केयर की हो? है ना दादा, आलू की केयर कर दी हो, आलू अच्छा हो गया हो। अच्छा आपके तरफ क्षेत्र में जो खेतों में जो पिछौती झुलसा का रोग चल रहा है, क्या वो भी लग चुका है अभी? पिछौती बारी में जो लग गो है, तो उससे कोई फर्क पड़ना पड़ेगा? आप समझो जा जो कंचन खड़ी है जा। हाँ इसमें आप ये कंचन है। हाँ। आओ आओ इसको भी देखे थोड़ा लल्ला, ये आलू भरे नहीं जी, यो करे ठीक। आओ कंचन भी देख लेते हैं आप लोगों को, भैया कंचन भी दिखाएंगे और कंचन की स्थिति देखने के बाद में पता चल जाएगा कि यहाँ कैसा उपज है, इसमें भी क्या स्थिति है इसकी। ये कंचन आलू है दादा? हाँ जी कंचन है। अच्छा तो इसको थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं, ये इसमें कोई रोग तो लगा नहीं? लगा है, लगा, ये देखो रोग। हाँ अरे दादा ये तो रोग बोलते हैं ना ये वाला? हाँ हाँ ये हाँ। ये देखो ये देखो ये, हाँ ये क्या है? ये फफूंदी जो जैसे रोग जो है। हाँ। ये बेल बेकार कर दी। अच्छा ये बेल बेकार हो जाएगी फिर उससे आलू की बाढ़ मारी जाती। हाँ, है ना दादा? बाढ़ मारी यही बात होती है ना। तो ये कंचन आलू ये कितने दिन का हो गया आपका अनुमान है कुछ? जो शायद ढाई महीना को कम नहीं हुए, ढाई महीना हो गया होगा ये भी आलू तैयार है मतलब। हाँ। तो आपके क्षेत्र में लगभग सभी आलू तैयार हो चुके हैं अभी। हाँ। तो कोल्ड में ये आलू जो रखे कोल्ड में जाने के लिए रखे हैं कि बेचने के लिए है? भैया वो बिकोगे और कोल्ड रूम जे। अच्छा अब जे ये तीन जगह गुल्ली अलग जे। अच्छा हरो अलग जे छट्टा अलग जे। अच्छा तो आपके कहने का मतलब क्या है, पिछले साल कोल्ड स्टोर भर गए थे, साल भर पाएंगे या नहीं? भर जाएंगे। भर जाएंगे। हाँ अच्छा अच्छा, भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य भविष्य भैया अकेला के तो परमात्मा मालिक, अब होली तक तो यही दशा चल रही है। अच्छा तो होली बाद जाएंगे चूहे। अच्छा अगर 15 मुहूर्त आ जाए। हाँ। तो कुछ हो सकता है कि रेट जो है कम हो जाए।
बढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ, अगर 15 मुहूर्त है तो। हाँ, 15 नहीं, 3 तारीख को मुहूर्त हो रही है। अच्छा, हाँ हाँ, 3 तारीख से मुहूर्त होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो लल्ला मेहनत की थी क्या आलू बोने में? क्या आलू तुमने बोए थे मशीन से? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, हमारे साथ में गाँव के चाचा और भैया है। आपका नाम क्या चाचा? रविंद्र। आपका कौन सा गांव है ये? हम जानना ये चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में पिछले साल के अपेक्षा से आलू की बुवाई कम हुई थी या ज्यादा? ज्यादा हुई थी। आपका मानना क्या है? हाँ, ज्यादा। आलू में पैदावार कैसी है? ज्यादा। कितनी ज्यादा होगी आलू की बुवाई? सही बता रहे हो, सुना सुनी तो नहीं, मतलब जिसका सुन लिया हो आप लोगों ने। रोज आलू ही खुद हो जाते। अच्छा, एक बीघे में कितने कट्टे निकल रहे हैं? 60-65 कट्टे निकल रहे हैं। कौन सा आलू है वो जो 60% निकल रहे हैं? तो ये तो हाइब्रिड आलू है। ये तो निकलेंगे इतने, मतलब हमारा जो चिप सोना होता है 37-97 होता है, ये इधर नहीं होते हैं। तो अपने यहाँ मतलब अभी तक कच्ची सीजन के जितने भी आलू की खुदाई होती है वो कितना परसेंट हो चुकी होगी? लगभग मैं 23 मान लो। 23 हुई है? आधी आधी नहीं हुई? आधी। अच्छा, अपने यहाँ कोल्ड स्टोर कब खुल जाते हैं? ये खुल जाए नंबर होरी बोर खुल जाएंगे फरवरी में, 3 फरवरी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कोल्ड स्टोर पूरे हो जाएंगे? कोल्ड स्टोर में मेला और लगे होगी। अच्छा, अरे चलो भाई, मेला रोटी खाना जात तो तय हो जाए। तो मतलब फेंकेगा तो नहीं आलू? अब जा तो कुदरत की मार होगी भैया, फेंकियो सका तो। अच्छा अच्छा, तो आपके क्षेत्र में हम देख रहे हैं खेत तो ये बहुत खाली पड़े हैं गेहूं के। देखो, गेहूं वो भाई हो चुकी है, और जो फसल में कोई रोग नहीं लगा आपके क्षेत्र में? ये तो लगा, देखो ये सामने फसल आलू की है। बहुत दिनारा हो चुका है। कितने दिन का हो गया वो? लगभग कितने दिन का? 3.5 महीना। 3.5 महीना हो गया, इसलिए उसकी बेल मतलब जल गई है। झुलसा वगैरह नहीं लगा आपके क्षेत्र में? झुलसा तो दवाई वाई पड़ी ही था, मतलब तो झुलसा से आलू का वो फर्क नहीं पड़ेगा उसमें साइज में थोड़ा बहुत? इसमें आपके मतलब क्षेत्र में आलू का साइज कैसा निकल रहा है? इसमें तो बड़ा निकले होम पर। अच्छा, कौन सा आलू है खेत में? ख्याति है। अच्छा अच्छा, अच्छा आपके क्षेत्र में कौन सा मतलब वैरायटी ज्यादा की जाती है? अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। और हमारे जो किसान भाई जो अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, और वो लोग अपनी अपनी 1 या 2 मिनट की वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, और मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते खेत का माहौल कैसा रहा। देखा सब रोग लगो पड़ो क्यों ना क्यों कौन है वो नहीं मिल रहा, अच्छा लग रहा है।